सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। कर दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। और अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल के एडिक्शन को छुड़वाना तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हैं आप सभी मोबाइल के एडिक्शन को छुड़ाने। यानी आप लोग कितने लापरवाह हैं कि आप ये तो जान लो कि आपकी खुद की ज़िंदगी ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम मेरे लिए है। आप वो एग्ज़ाम आपके आपके आने वाले कल को बनाएगा। आपको क्या है, आप जो ये मोबाइल चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बताऊँ आपको रियलिटी, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ आप ही दे रहे हैं पूरी दुनिया में। एग्ज़ाम जो है लाखों लोग दे रहे हैं, और एग्ज़ाम आपको सिर्फ 7 दिन के लिए आएगी। और मोबाइल तो आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा। आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लो, इसके बाद में आपके पास 3 महीने की छुट्टी रहती है। 1 महीने की जी रह रही है, चलो मान लेते हैं 1 महीने की भी छुट्टी है। एग्ज़ाम के बाद में आप अभी क्या करो, अभी अपना पूरा 99% लगा दो एग्ज़ाम में, और 1% जो है वो आपके मोबाइल को दे दो। यानी ऐसा कर लो जैसे कि 10, आप ऐसा नहीं कि 10 घंटे पूरी पढ़ाई करना, अगर आपने 2 घंटे इफेक्टिवली भी पढ़ाई कर ली ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम मानते हैं कि नहीं यार मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करूँगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि यार ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आप अभी 1 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट आप पढ़ने के लिए लेते हैं, अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अपन ने एक ऐसा बना लिया ना कि यार किसी से नहीं हुआ। अब अपन ने क्या है, कोई सा क्वेश्चन हुआ अपन ने एक बार सोच लिया, अरे ये तो किसी से नहीं होगा, तो फिर वो होगा ही नहीं। क्योंकि आप उसको कोशिश ही नहीं करोगे ना पढ़ने के लिए। अगर आप एक बार उसको पूरी 100% देकर उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो आपको खुद को आसान लगेगा, और आप सोचोगे कि यार आखिर मैंने इस क्वेश्चन को पहले क्यों नहीं पढ़ा। ये जितने भी लोग हैं जो मोबाइल को यूट्यूब के कारण नहीं छोड़ रहे हैं, यानी वो सभी फिर रहे हैं किसी किसी के पीछे, कोई टेक्निकल दोस्त के पीछे शर्मा जी, टेक्निकल के पीछे केरी मिनाती, वीवी के वाइंस। अरे भाई मैं बता दूँ, ये आप किसी को कुछ उनको लेना देना नहीं है, है लेना देना, लेकिन आप उनकी मिलियन के बीच में हैं। अभी आपके सामने अगर 100 लोग खड़े कर दे, 1000 लोग खड़े कर दे मान लीजिए, तो उसमें से आपको अकेले को पहचानना और अकेले से बात करना बहुत मुश्किल है। और उनकी फैमिली जो है वो तो मिलियंस में, तो आप मिलियंस के बीच में एक जन हो, तो यार उन सभी को छोड़ दो, उनका कंटेंट कितना होगा। अगर मान लीजिए 7 दिन के लिए एग्ज़ाम है और आप 2 महीने से पहले स्टार्टिंग कर रहे हो, अरे 2 महीने में कितना कंटेंट बना देंगे, कोई इतना तो कंटेंट नहीं बना देंगे कि आप जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। अरे 2 महीने के बाद में 1 महीने की छुट्टी है, डेली अगर एक वीडियो भी उनकी देखोगे ना सभी क्रिएटर्स की, तो आप लगभग 10 से 12 दिन में उनकी पूरा कंटेंट निपटा दोगे। इतने से वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ। अगर आप उस अभी भी उस अहमियत को नहीं समझ रहे कि यार उस यूट्यूब एक क्रिएटर के पीछे, वो क्रिएटर कोई भी हो सकता है, शर्मा जी भी हो सकता है, टेक्निकल दोस्त भी हो सकता है, जी की रंजीत भी हो सकता है, किरिमिनाती, बीवी की भाई सर कोई भी हो सकता है, उन सभी को छोड़ दो दोस्तों। क्योंकि यार इतना कंटेंट तो नहीं बना देंगे ना वो कि आप देख नहीं पाओगे। देख सकते हो आज, नहीं तो कल तो देख पाओगे। 1-2 महीने एग्जाम के बाद में आप उस कंटेंट को देखो और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 महीने क्या करो अपना, आप बिल्कुल तो 100% तो मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो रिवार्ड सिस्टम कर लो। रिवार्ड सिस्टम ऐसा कर, भाई मैं 2 घंटे इफेक्टिवली पढ़ूंगा, इसके बाद में 20 मिनट 1 घंटे जितना भी है उसमें मैं मोबाइल चलाऊंगा, जिम करूंगा, ये करूंगा। अगर आपकी आदत है कि यार मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ शाम को, तो यार उसको बंद कर दो। यार मैं बताऊँ ना, जो भी रैंकर होते हैं, अभी मैं बताता हूँ आप इनमें से हो सकते हो, तो क्या करते हैं रैंकर हमेशा क्या है, गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हैं, किसी टीचर से बात करते हैं, अरे मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और भाई अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात माने, सर घर पे ही हूँ फ्री ही हूँ, अब देख लीजिए कितना अंतर। यानी रैंकर अभी भी छुट्टियों में भी वो कुछ नया करने की सोचते हो, और आप जो है वो यूट्यूब में पचे रहते हैं। अरे यार 2 महीने छोड़ के देखो मोबाइल को, और आप खुद समझ जाओगे कि यार हाँ यार मैंने क्या गलती करी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं अपने रोजाना से वीडियो लाते रहता हूँ ऐसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जय हिंद, वंदे मातरम।